गाइस, करीब एक साल पहले मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था कि आप लोग आईफोन को ईएमआई में बाय करते हो तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। और गाइस, बहुत सारे मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया था उस वीडियो में। तो गाइस, आप लोगों ने उस वीडियो में इतना ज़्यादा प्यार दिया, ऑलमोस्ट 96,000 उसमें व्यूज़ आ गए हैं। और गाइस, आप लोगों ने फिर से उसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चन पूछा है। तो गाइस, आज की वीडियो में जो भी आपका बचा कुचा डाउट है उसको भी मैं क्लियर करने वाला हूँ, ईएमआई के रिगार्डिंग, डाउन पेमेंट के रिगार्डिंग, फर्स्ट ईएमआई कब कटेगा, और भी गाइस आप लोगों ने क्वेश्चन को पूछा है। तो गाइस, इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन का मैं आंसर आज की वीडियो में आप लोग को देने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि 99% लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो गाइस, अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप लोगों को मोस्टली होता है कि ईएमआई पे आईफोन लेने के बाद कब से हमें ईएमआई भरना पड़ेगा, मतलब कब से हमें पहला ईएमआई देना पड़ेगा। तो लेट सपोज करते हैं आप लोगों ने इस मंथ को ईएमआई पे आईफोन बाई करो, मतलब इस मंथ के कोई भी तारीख को आप लोगों ने बाई किया हो ईएमआई पे एक आईफोन को, और नेक्स्ट मंथ जैसे ही गाइस आएगा उसी नेक्स्ट मंथ में ही आप लोग को अपना फर्स्ट ईएमआई को पे करना है अपने बैंक अकाउंट से। और गाइस, कैसे पे करना है, अगर आप लोग बजाज कार्ड से लेते हो तो बजाज कार्ड का ऐप आता है उसके थ्रू आप लोग पे कर सकते हो। अगर गाइस आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इन सभी के थ्रू अगर आप लोगों ने ईएमआई पे आईफोन को बाय करे हो तो क्रेडिट कार्ड कंपनी के भी अपने अपने ऐप है, उस ऐप में जाके आप लोग पे कर सकते हो। अगर गाइस आप लोग को नहीं पे करना आता है क्रेडिट कार्ड के ऐप से तो गाइस आप लोगों को सिंपली क्रेड ऐप को डाउनलोड कर लेना है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्रेड ऐप का। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपने क्रेडिट कार्ड को ऐड कर लेना है और गाइस हर मंथ अपने ईएमआई को भर लेना है, मतलब क्रेडिट कार्ड से तो ऑटो डेबिट हो जाएगा लेकिन हर मंथ अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल होगा उसको गाइस आप लोग पे कर दोगे क्रेडिट ऐप से। वहीं गाइस अगर आप लोग डेबिट कार्ड से अपने आईफोन को ईएमआई पे बाय किए होगे तो गाइस जिस बैंक के डेबिट कार्ड के साथ आप लोग आईफोन को लिए होगे उसी बैंक में आप लोग को उतना अमाउंट हर मंथ रखना है जितने का आप लोगों को हर मंथ ईएमआई पे करना है। जैसे कि हर मंथ अगर आप लोग को 2,000 रुपए पे करना है तो 2,000 रुपए का बैलेंस आप लोग को हर मंथ मेंटेन करने पड़ेगा अपने बैंक के डेबिट कार्ड वाले अकाउंट में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को इसी से सिमिलर है कि हमें फर्स्ट ईएमआई कौन से तारीख को देना पड़ता है, मतलब जो हमें ईएमआई देना होगा वो कौन से तारीख को देना पड़ेगा। तो गाइस डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स का डिफरेंट डिफरेंट डेट होता है, लेकिन जनरली हमने यही देखा है 1 से लेके 5 तारीख या 5 से लेके 10 तारीख के बीच में आप सभी लोग को ईएमआई भरना पड़ता है। तो गाइस सिंपली एक्सप्लेन करूं तो अगर आप लोग ईएमआई पे आईफोन ले लियो हो और पहली बार आप लोग ईएमआई को पहले मंथ में ही भर रहे हो, 1 से लेके 10 तारीख के बीच में आप लोग को अपने बैलेंस को मेंटेन करना है जितने के आप लोग का ईएमआई बनता है। और गाइस जैसे ही अगर आप लोग को 1 से लेके 10 तारीख के बीच में जिस तारीख का आप लोग का ईएमआई कट जाता है उसी तारीख को आप लोग याद रखना और हर मंथ आप लोग को उसी तारीख में अपने ईएमआई को पे करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बजाज कार्ड के बारे में, जो कि गाइस मोस्टली लोगों ने पूछा है, जो कि मैंने अभी रिसेंट वीडियो जो बनाया था बजाज कार्ड पे उस पे गाइस बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को पूछा है, बहुत सारे लोगों को इसका प्रॉब्लम भी देखने को मिला है। तो गाइस आप लोगों ने पूछा है कि बजाज कार्ड से हमें पेमेंट फेल देखने को मिल रहा है। तो गाइस अगर आप लोग बजाज कार्ड से आईफोन को जा रहे हो ईएमआई में बाय करने के लिए, अगर वहां पेमेंट फेल बता रहा है तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को कस्टमर केयर के पास कॉल करना है और उनसे पता करना है इसका क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों हमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में पेमेंट फेल बता रहा है। वही लोग गाइस आप लोग को सोल्यूशन बताएंगे। और गाइस एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि अगर आप लोगों ने पहली बार बजाज कार्ड को फर्स्ट टाइम ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर रहे हो तब भी गाइस बजाज कार्ड का पेमेंट फेल हो जाता है। तो गाइस इससे बेटर ये है कि आप लोग एक बार ऑफलाइन जाके कोई भी प्रोडक्ट को ईएमआई में बाय करो, उसके बाद आप लोग बजाज कार्ड से ऑनलाइन कोई भी आईफोन या कोई भी प्रोडक्ट को आप लोग ईएमआई के थ्रू बाय करो। मतलब गाइस सिंपली बोला जाए तो कि बजाज कार्ड को ऑफलाइन एक बार यूज करो, उसके बाद आप लोग ऑनलाइन यूज करो, नहीं तो गाइस आप लोग कस्टमर केयर के पास कॉल करके अपने गाइस जो आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में जान सकते। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आप लोग बहुत सारे शॉपिंग तो करते हो, लाइक अगर आप लोगों को कपड़ा मंगाना हो तो आप लोग मिंट्रा से मंगा सकते हो, या आप लोगों को फोन मंगाना होता तो आप लोग फ्लिपकार्ट से मंगाते हो या फिर गाइस आप लोग अमेजोन से मंगाते हो, लेकिन गाइस आप लोग डायरेक्ट जाकर शॉपिंग करते हो तो आप लोगों को 1 भी रुपए कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। तो वहीं आता है गाइस लेटेस्ट शॉप, अगर गाइस आप लोग इसके थ्रू जाके
इन सभी जगह से आप लोग शॉपिंग करोगे तो आप लोग को यहाँ ढेर सारे कैशबैक देखने को मिलेगा। और गाइस आप लोग को फर्स्ट साइनअप पे आप लोग को 70 रुपए का बोनस देखने को मिलेगा, मुझे भी थोड़ा 70 रुपए का बोनस देखने को मिलेगा। और गाइस जो भी आपका कैशबैक होगा वो गाइस आप लोग डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्कशन में आप लोग को मिल जाएगा। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम डेबिट कार्ड से जीरो डाउन पेमेंट पे आईफोन को बाई कर सकते हैं? तो गाइस बिल्कुल आप लोग जीरो डाउन पेमेंट देके अपने डेबिट कार्ड से आप लोग आईफोन को बाई कर सकते हो, उसमें गाइस आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और एक भाई ने क्वेश्चन किया कि आधार कार्ड पे वीडियो लाओ कि हम आधार कार्ड से कैसे ईएमआई पे बाई कर सकते हैं आईफोन को। तो गाइस अगर आप लोग को इस टॉपिक वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, उस पे मैं डेडिकेटेड एक वीडियो जरूर आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है कि अगर हम आईफोन को 12 मंथ के लिए लेते हैं ईएमआई पे और हमारे पास पहले पैसे आ जाता है तो क्या हम उसको 12 मंथ से पहले ही ईएमआई को खत्म कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर हाँ भी है, इसका आंसर ना भी है। अगर आपके बैंक जिसके थ्रू आप लोगों ने ईएमआई पे आईफोन लिए हो अगर वहां आप लोग को ये प्री पे की फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाता है, जो गैस आपको पता करना पड़ेगा कस्टमर केयर पे जाओ कॉल करके या फिर गैस उस बैंक के ब्रांच में जाके आपको पता करना पड़ेगा। अगर इस वहां से आप लोग को प्री पे का ऑप्शन देखने को मिलता है तो अफकोर्स आप लोग 12 मंथ से पहले ही अपने ईएमआई को खत्म कर सकते हो, वरना गैस आप लोग को नहीं भी कर सकते हो, आप लोग को 12 मंथ तक का ईएमआई को भरना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का होता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? तो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी कोई भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है वो जो वहाँ मेंशन है बैंक अकाउंट का, उस बैंक कार्ड का डेबिट कार्ड है या फिर आपके पास बजाज कार्ड है, तब गाइस उससे आप लोग बेझिझक बिना किसी डॉक्यूमेंट के आप लोग आईफोन को ईएमआई पे बाय कर लोगे, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत वहाँ नहीं पड़ने वाली है। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग पूछते ही हो कि अगर हमने आईफोन को बाय कर लिया है ईएमआई पे लेकिन अभी तक ऑर्डर में हमारे पास नहीं है, मतलब अभी तक आईफोन हमारे पास नहीं आया और हम उस ऑर्डर को अगर कैंसिल करना चाहें तो क्या हमें उस आईफोन का जो ईएमआई है उसको भरना पड़ेगा या फिर गाइस वो कैंसिल हो जाएगा? तो ऑफकोर्स अगर आप लोग ऑर्डर को कैंसिल कर देते हो और वो फ़ोन रिटर्न चला जाता है आपके पास नहीं आता है तो वो जो ईएमआई होगा वो ऑटोमेटिक आप लोगों के पास से कैंसिल हो जाएगा, आपको कोई भी नेक्स्ट मंथ से ईएमआई को भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग को इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। आप लोग बेझिझक अगर आप लोग को पसंद नहीं है और आपको कोई डाउट लगता है या फिर गाइस डिलीवरी लेट हो रही है तो आप लोग बेझिझक उसको कैंसिल करो और गाइस आपका जो ईएमआई होगा वो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डलेस ईएमआई के लेकर कि अगर आपके पास ना तो बजाज कार्ड है, ना ही आपके पास क्रेडिट कार्ड है, ना ही आपके पास डेबिट कार्ड है, तो कैसे आईफोन को ईएमआई पे बाय करें? तो अगर आप लोग कैशिफाई पे जाओगे तो वहाँ गाइस आप लोग को कार्डलेस ईएमआई का ऑप्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले आप लोग को स्नैपमेंट देखेगा या फिर कैशिफाई एश्योर्ड देखने को मिलेगा और भी आप लोग को कुछ देखने को मिलेगा। तो गाइस इन सभी के थ्रू आप लोग बिना कार्ड के भी, अगर आपके पास कोई भी फिजिकल कार्ड नहीं है, इसके थ्रू आप लोग अपने आईफोन को ले सकते हो बिना किसी कार्ड के, आपको कोई भी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो गाइस ये थे ईएमआई के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन के आंसर। एंड गाइस अगर आप लोगों के मन में अभी भी कुछ भी डाउट्स है ईएमआई के रिगार्डिंग तो गाइस आप लोग नीचे कमेंट करना, उसका रिप्लाई करूंगा या फिर गाइस फिर से एक डेडिकेटेड आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद लगी, वीडियो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।